हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल आलोक सर के द्वारा आपको बताया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी पर इस समय महाधरना चल रहा है, तो महाधरना से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे डेली अपडेट्स के तौर पर टीम आपको जो है बताएगी कि हमारे जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, आयोग के द्वारा जितनी परीक्षाएँ कराई गई हैं उन परीक्षाओं के अंततः परिणाम जारी नहीं होने के पीछे आयोग ने कुछ तर्क दिए हैं आज, उन सभी के बारे में, मतलब क्या डिमांड रही वहां अभ्यर्थियों की और आयोग के अध्यक्ष से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, तो किन किन परीक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया है कि किन के परिणाम आने हैं, कहां तक किस प्रोसीजर तक आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था कि फरवरी 2020 में हम इतनी परीक्षाओं को जो है रिजल्ट घोषित कर देंगे, उन सभी के तथ्यात्मक आज सारी चीजों पर बात हुई है। तो इन्हीं सारी चीजों से अवगत कराने के लिए टीम ने प्रयास किया था, आलोक सर ने भी बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कोई ना कोई वहां पर मौजूद रहे, तो वहां हमारी मौजूदगी नहीं हो पाई, लेकिन टीम के ही एक सदस्य हैं मारुत सिंह जी, उनके माध्यम से हमें जो जानकारियां मिली हैं उन्होंने हमें कुछ चीजें भेजी हैं, ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन रही भेजी, लेकिन उससे पहले कुछ ठोस जो नतीजे रहे आज के उन परिणाम पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कौन कौन से परिणाम हैं और किन किन लोगों के लिए थोड़ी सी जो है एक अच्छी खुशी है, ठीक है, तो उन सारी चीजों पर मैं बात करूंगा आपसे। सारे लोग, सबसे पहला पॉइंट देखो, आयोग में जो ये धरना हो रहा है पिकअप भवन पर, इस धरने में सबसे बड़ी बात है कि आज जो अभ्यर्थी वहां पर थे इन सारे अभ्यर्थियों से मुलाकात अध्यक्ष जी से हुई है, ठीक है, तो अध्यक्ष जी ने जो कहा अभ्यर्थियों से कि हम आपके किन किन डिमांडों को मांग रहे हैं या जो भी अभ्यर्थियों का मुद्दा रहा एक तरीके से, तो उन मुद्दों पर उन लोग जो है अध्यक्ष जी के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन के द्वारा कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो एक बार जो भी लोग नए मित्रगण हैं, ठीक है, डेली अपडेट जो आपकी धरने से संबंधित होगी, परीक्षाओं से संबंधित होगी, वो सब कुछ इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाना है, ठीक है, और अन्य भी सारी चीजें इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध रहती हैं, तो उसके लिए आप चैनल जरूर लाइक करिए, वीडियो सब्सक्राइब जो है लाइक करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे परिणामों की कि क्या क्या हमें रिजल्ट मिले, आश्वासन क्या क्या मिले। तो सबसे पहली चीज बात अगर मैं आपसे करूं तो सबसे पहली चीज रही अध्यक्ष जी ने जो आश्वासन दिया कनिष्ठ सहायक 2016 की परीक्षा को, कनिष्ठ सहायक 2016 में जो आपकी भर्ती आई थी, ठीक है, इसका जो है रिटेन एग्जाम हो गया, टाइपिंग टेस्ट का बुलावा आज तक अभ्यर्थियों का नहीं हुआ था, इसके लिए आज शाम तक अध्यक्ष जी के द्वारा जो कहा गया कि आज शाम तक या कल तक यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जो परिणाम है टाइपिंग टेस्ट के लिए जितने बच्चों को बुलाया जाना है उन बच्चों का रोल नंबर और समय सारणी, मतलब किस किस डेट में किन किन को बुलाया जाना है, ये चीज उपलब्ध करा दी जाएगी। तो 2016 कनिष्ठ सहायक के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी अब आप टाइपिंग पर ध्यान अपनी धार दें। दूसरी चीज मैं जो बात करने जा रहा हूं, दूसरी वैकेंसी आपको याद होगा 2016 में 22/2016 नाम से जो है लोवर टू की वैकेंसी आई थी आपकी, 22/2016 नाम से लोवर टू की वैकेंसी आई थी, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के पोस्ट उस समय शामिल हुए थे, इनमें जो स्पष्टीकरण मिला है अध्यक्ष जी के द्वारा उनका यह कहना है, मतलब आयोग का यह तर्क रहा है कि इसमें वैकेंसी के लिए जितने भी अलग अलग पद थे उनके लिए हमें एक नए सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जिनसे हम इन कॉपियों को चेकअप जो है चेक करवा सके, ऐसा उनके द्वारा कहा गया आयोग के द्वारा कि जो है एक एनआईसी के द्वारा सॉफ्टवेयर लिया गया लेकिन वो सॉफ्टवेयर फेलियर रहा कहीं से भी, तो कॉपियां वो सारी चीजें चेक नहीं हुई है। इस पर उनका क्या कहना रहा कि जल्द ही हमने एनआईसी से एक दूसरी सॉफ्टवेयर हमने उनसे कहा है डेवलप करने को और वो सॉफ्टवेयर अगर नहीं मिलता है तो उसके परिणाम मैनुअल बेस पर अलग अलग रिजल्टों के अलग अलग पदों के सारे परिणाम मैनुअल बेस पर जारी किए जाएंगे। तो कनिष्ठ सहायक 2016 जो है लोअर टू या लोअर सबॉर्डिनेट जो 2016 की वैकेंसी रही 22/2016 की जो विज्ञप्ति आई थी तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी यह सूचना जरूरी है। तीसरी बात लोअर 2019 की अब मैं बात करता हूं, लोअर 2019 पर क्या परिणाम रहे, मतलब आयोग के अध्यक्ष जी के द्वारा क्या उसके संदर्भ में सूचना है, इसको ध्यान से सुनिए। लोअर का जो आपका रिजल्ट आना है प्री का रिजल्ट, ठीक है, ये प्री का रिजल्ट 15 मार्च अधिकतम उसकी तारीख है, इस समय मार्च की 15 मार्च अधिकतम तारीख आयोग के अध्यक्ष जी के द्वारा सुझाई गई है कि इससे ज्यादा आपकी जो है आगे रिजल्ट नहीं जाएगा, तो 15 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, सारे लोग अवेयर हो जाएं। बार बार जो कहना होता है
ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने लोअर मेंस का जो है सबसे पहले आपको टेस्ट भी अपलोड कर दिया था। आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको जो है लोअर मेंस के टेस्ट मिल जाएंगे, उनको दीजिए। ठीक है, पूरा UP SSC बेस पर है, तो अभी से तैयारी पर धार दीजिए। तो लोअर 2019 का परिणाम हमारा 2000 इससे 15 मार्च, मतलब मिड जो मार्च है आपका, इससे पहले आ जाना है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, जो 15 मार्च है, 15 मार्च अधिकतम तारीख दी गई है, तो उससे पहले ये परिणाम आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आपके रहे कि आपका कनिष्ठ सहायक 2016 जो है लोअर सेकेंड लोअर टू जो आया था, लोअर सबॉर्डिनेट जो आया था, 22/2016 की वैकेंसी, और तीसरी वैकेंसी लोअर 2019 की। ये तीनों वैकेंसियों में आयोग के अध्यक्ष जी के द्वारा जो अभ्यर्थियों को एक तरीके से आश्वासन मिला है, ये सूचना रही। अब हम देखते हैं मारुत जी ने क्या सूचना आप सभी के लिए भेजी है। ठीक है, उन्होंने एक रिकॉर्ड एक वीडियो के माध्यम से हमें वो सूचना प्रेषित की है। मारुत जी का आप लोग अब जो है क्या क्या वो उन्होंने इंफॉर्मेशन मिली है आपके द्वारा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लापरवाही व सुस्ती के खिलाफ समस्त भर्तियों के समस्त अभ्यर्थियों का आज महाधरना था। जिन भी साथियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन भी साथियों का योगदान रहा है इस धरने में, जो भी साथी इस धरने के लिए आए हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। जो साथी नहीं आए उनका भी विशेष आभार। आज के हुए धरने व इसके परिणाम के संदर्भ में कुछ जानकारी मैं साझा करना चाहता हूं। ये धरना कुछ देर तक चला है, अलग अलग मीडिया चैनलों के लोग आए हैं, उनको बताया गया अपनी समस्याएं। R9 ने कवरेज भी किया है, वो कवरेज आप सबने देखा होगा। न्यूज इंडिया से भी एक साथी आए थे। सभी भर्तियों से एक एक अभ्यर्थी आयोग के अध्यक्ष जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मैं जिन भर्तियों के बिहाफ पे, मैं जिन भर्तियों के लिए बात हुई है, जिन भर्तियों को लेकर अध्यक्ष जी से, और जो आश्वासन मिला है, जो कहा गया, उसको आप सभी के समक्ष साझा करता हूं। सबसे पहली भर्ती की बात करता हूं, 22/2016 जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती की। तो अध्यक्ष जी द्वारा यह बताया गया है कि आज शाम या कल तक वेबसाइट पर टाइपिंग टेस्ट की सारणी, समय सारणी अपलोड कर दी जाएगी। यह मार्च महीने में ही आयोजित होनी है। आज शाम या कल तक यह अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज 2019 की बात करते हैं। उसमें अध्यक्ष जी द्वारा यह बताया गया है कि मिड मार्च, 15 मार्च के पहले तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम अंतिम चरणों में है, उसका जल्द से जल्द अधिकतम 15 मार्च तक ये बताया गया है, और कहा गया है कि 15 मार्च से पहले पहले तक जारी हो जाएगा। अब आते हैं 22/2016, विज्ञापन संख्या 22/2016 लोअर टू के बारे में। उसके बारे में कहा गया है कि उसमें कई प्रकार की भर्तियां हैं, जिसके लिए, जिसके परिणाम को जारी करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, और NIC से हमने एक सॉफ्टवेयर मंगाया था और वो सॉफ्टवेयर फेल हो गया है। वो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम कर नहीं रहा था। तो आयोग का कहना है कि हम NIC से दूसरा सॉफ्टवेयर मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको कम से कम समय में वो सॉफ्टवेयर आ जाता है, या अगर नहीं आ पाता है, तो हम मैनुअली इस रिजल्ट को तैयार करेंगे और जल्द से जल्द परिणाम को घोषित करेंगे। बाकी अन्य भी भर्तियों के बिहाफ पे साथी पहुंचे थे, उस संबंध में वो साथी आपको जानकारी साझा करेंगे। मैं 3 भर्तियों के बिहाफ पे पहुंचा था, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी साझा कर दिया। और अंतिम में मैं कृषि मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अध्यक्ष जी से यह बात कही थी कि UP SSC आयोग से संबंधित अभ्यर्थी बहुत परेशान है, उनकी समस्याओं का निराकरण करिए और जो भी तेजी लाई जा सकती है उसकी कोशिश करिए, उन्होंने ऐसा कहा था। और ये जानकारी हमें अध्यक्ष जी ही हम लोगों से साझा किए हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कृषि मंत्री जी का कहना था। तो चलते हैं साथियों, विदा लेते हैं, जय हिंद।
जितनी भी इंफॉर्मेशन मारुत सिंह जी ने आपको बताई, ठीक है, इसके लिए टीम बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है मारुत जी का, ठीक है। ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए कि क्या किस दिन आपका कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, उसके लिए परीक्षा प्लस टीम हमेशा प्रयासरत रहेगी और एक बेहतर मार्गदर्शन के लिए हमेशा आप सभी के सामने मैं टीम की ओर से रमन मिश्रा हाजिर रहूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपको लाइव अपडेट चाहिए, उसके लिए हमेशा आप टीम के टेलीग्राम चैनल पर, हमारे फेसबुक ग्रुप पर और साथ ही साथ जो भी आपके अन्य हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके माध्यम से जरूर जुड़िए। यूट्यूब चैनल आपको जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, डेली अपडेट्स के तौर पर आपको हर दिन क्या क्या परिणाम, हमारे अभी बहुत सारी वैकेंसियां बाकी हैं तो उनके सापेक्षता जैसे बात होती है तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वहां से उसके बारे में, उसके संबंध में आपको मैं सूचना देता रहूंगा। तो आप सभी से मैं इतने जो है जानकारियों के साथ विदा ले रहा हूं, इसमें क्या अपडेट कल होगा उसके बारे में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।